Yo, what's up guys, welcome back to the another 7th brand new episode of God of War 1. तो in case अगर तुमने बाकी के episode नहीं देखे तो बाकी के 6th episodes के links तुम्हें description box में मिल जाएगी. जल्दी से जो भी miss हुआ है जल्दी से check out कर लो उसको. और बाकी की story में तुम्हें समझा देता हूँ कि last episode में guys क्या हुआ है. तो guys last episode में हम ये सोच रहे थे कि Kratos को Pandora box उसी episode में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे puzzles मिल गए. और वहाँ पे last episode में हमने Hera का necklace और एप्रिटाइड का नेकलेस ढूंढा और पता है वहाँ क्या हुआ. और वहाँ पे एक और जगह बन गई जहाँ पे हम और भी ज्यादा ऊंचाई पे आ गए पेंडोरास टेंपल के. तो मे भी शायद अब हम ना सबसे ज्यादा टॉप पे हैं पेंडोरा बॉक्स को हासिल करने के लिए. तो वो जो पेंडोरास टेंपल है ना उसके बीच में या फिर उसके लोअर जो पोर्शन है ना उस साइज में वहां पे हमको नहीं मिलने वाला पेंडोरा बॉक्स को. ज़ूस ने छुपाया है पेंडोरस टेंपल के सबसे टॉप पे. तो गाइज हम आ गए हैं सबसे ऊपर पेंडोरस टेंपल के टॉप पे. और अब गाइज तुम मेरे पीछे देख सकते हो, और गाइज ये जो मेरे पीछे तुम इतने सारे ट्रैप्स देख रहे हो ना, ये जगह पेंडोरस बॉक्स की लास्ट जगह होने वाली है और इसके बाद ही हमको पेंडोरा बॉक्स मिल जाएगा. तो ये जगह जो ये जो पूरी प्लेस तुम देख रहे हो ना, ये आर्किटेक्ट का प्लेस है जिसने ये पूरा का पूरा पेंडोरस टेंपल बनाया है ना, जिसके दो बेटे थे जिसकी दोनों मुंडी को लगा के पेंडोरस रिंग को हमने कंप्लीट किया था. तो ये वही आर्किटेक्ट का प्लेस है. और गाइस आज के एपिसोड में अगर हमने ये क्लियर कर लिया, आर्किटेक्ट के जितने भी पजल्स हमने क्लियर कर लिए, तो हम पहुंचने वाले हैं डायरेक्ट अपने द ट्रू पावर के पास जिसका नाम है पेंडोरा बॉक्स. ठीक है, तो गाइस आज का एपिसोड जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो वीडियो को लाइक कर लो पहले से ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो. और तुम्हारा भाई अब कूद चुका है पस... भाई साहब इतना सा रह गया मैं. ये जो कांटे वाले गोले चल रहे हैं ना चक्के, ये ज्यादा मुझको गया, मैं मेरे को लगा ही था. फर्स्ट टाइम में तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों. अब गाइस सेकंड चांस, चल के देखते हैं. क्योंकि देखो वहां पे वो जो सामने आर्किटेक्ट का जो रूम है ना उसके अंदर तीन गेट हैं, तीन गेट्स को मुझे पहले ओपन करना है, देन फिर जाके ये गेट ओपन होने वाला है. एक गेट देखो राइट से आ रहा है, एक लेफ्ट से आ रहा है, और एक ऊपर से. तो मुझे तीन के तीन गेट खोलने हैं. लेकिन यहाँ पे देखो द ग्राउंड इज क्रैकिंग हियर, यू कैन सी अ स्मॉल रूम्स डाउन बिलो. ओके, तो यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो एरिया है ना ये क्रैक हो रखा है और इसके नीचे एक छोटा सा रूम है इसके नीचे जाके. तो इसके लिए मुझे ऊपर से कुछ फेंकना पड़ेगा, और मे बी शायद यहाँ पे वो रास्ता जा रहा है जिसकी मदद से मैं ऊपर से कुछ करूँ. बाप रे ये यार, ये मेरे को नहीं चाहिए, इसकी शक्ल मेरे को देखनी ही नहीं है. मैं यहाँ पे ना अपनी हेडिस वाली जो पावर है वो यूज भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ इन चिरकुटों पे अगर मैंने वो हेडिस की पावर यूज करी तो यार फिर मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी, और क्रेटोस की भी. समझ रहे हो, ये देखो दो तलवार में तो उसको नानी याद आ गई. लेट्स गो. अरे बाप रे, दो दो आ गए. मुझे ये बुरे इसलिए लगते हैं कि ये सिर्फ ब्लॉक करते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये बंदे बढ़िया हैं. मुझे ये ब्लॉक करते हैं ना जब जाके मुझे इतना गुस्सा आता है कि बस मत पूछो. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, आ जाओ, निकल, खत्म. इतनी जल्दी अगर कोई मर जाए ना क्या ही मजा आएगा, समझ रहे हो तुम. यहाँ भी हो गया काम. बट गाइज ये ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे और ये मुझे पेंडोरा बॉक्स तक नहीं पहुँचने देंगे. तो मे बी इसको मैं यही छोड़ देता हूँ, तो यहीं पे मज़े ले मोटे जब तक मैं एक और जगह बना लेता हूँ. अच्छा, तो ये वाली वो, हाँ इस वाली को ना क्रैक वाली जगह पर फेंकना है, अभी मेरे को समझ में आ गया. ये देखो जहाँ पर शेडो आ रही है ना, मैं शेडो को यहीं पर छोड़ देता हूँ. और अब मैं इसको पहले तोड़ता हूँ इसके ऊपर ये पत्थर फेंक के जो क्रैकिंग वाला फ्लोर हो रखा है ऑलरेडी. बूम, चलो भाई यहाँ पे जगह बन चुकी है. और अब मैं जा रहा हूँ वापस से नीचे, अब इनका भूत बनाते हैं. लो इनको, इसको मारने से पहले ही उसने मेरे को उठा के नीचे फेंक दिया. इसके नीचे क्या है यार गाइज, यहाँ पे कुछ लगाना है मूर्ति टाइप की, लेकिन मे बी रुको एक मिनट, ये है किस चीज़ का पहले वो देखता हूँ मैं. ये शायद गेट ओपन होगा इससे, वही वाला मेन डोर जो आर्किटेक्ट के रूम के अंदर जाना है ना, यही वाला गेट रूम ओपन होगा. हाँ मैं समझ गया, ठीक है ये लास्ट वाला है पीछे का सबसे. ठीक है, इसके अंदर कोई मूर्ति लानी है, अगर वो मूर्ति मुझे मिल जाए यहीं कहीं तब मज़ा आएगा. हाँ मिल गई, ये रही लगा ही था. और बट अभी मैंने इस मूर्ति को देखा ना, तो अभी एक सामने में भी एक और ऐसे ही वो रखा हुआ जिसके ऊपर मेरे को दूसरी मूर्ति रखनी है. अरे ये तो ऊपर से कूद के आ गया, मेरे को लगा ये नीचे नहीं आएंगे, मुझे लगा नीचे नहीं आएंगे. भाई भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं फिर मरूंगा यहाँ. तुम्हारी तो भैंस की आँख, नहीं हटोगे, नहीं हटोगे. एक काम करता हूँ,
चिपकाया। अरे व्हाट द हेल इज गोइंग, वो ये उसने मेरे को मारा और मैं डायरेक्ट नीचे। अभी देखो अब मैं क्या करता हूँ यार, ये मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ, उसने मारा इतना तगड़ा कि मैं सीधा का सीधा खाई में जाके गिर गया। रुको अब मैं इनसे राड़ा नहीं करूंगा, मैं पहले सीधा अपनी मूर्ति को उसकी सही जगह पे लगाऊंगा, समझ रहे हो, पहले इस मूर्ति को मैं अपनी सही जगह पे, बूम, आ जाओ मार लो, आओ आओ, आओ पीछे पीछे आओ, हाँ ऐसे, यू नेवर कैच मी मॉडर्न। ये गया सीधा अंदर, घुस जाओ, आ जाओ अंदर भी आ जाओ ना, छोड़ ही नहीं रहे क्रेटोस को, छोड़ अकेला तो छोड़ते ही नहीं एक मिनट के लिए। चलो सबसे पहला डोर गाइस खुल चुका है जो कि सबसे लास्ट वाला है। अब ठीक है अब दो रह गए हैं, दो को तो मैं ओपन कर दूंगा इजीली, पहले इनको काटना पड़ेगा। हट तुम्हारी ऐसे के तैसे, नहीं 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 फ्रीज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, पड़ गया, मुझे लगा फ्रीज हो गया। हट 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 हट, बचा गाइस, अगर इन दोनों में से किसी ने भी मेरे अंदर एक तलवार मारी ना तो मैं सीधा खाई के अंदर जाऊंगा, तो मुझे दूर दूर होके खेलना पड़ेगा, रोल हो के डॉच करता जाऊंगा। ठीक है बड़ा वाला मारता हूँ उसमें, रुको रुको, हट पड़ी। देखो यही चीज, ये वाला जो ये कॉम्बो मारता है ना पूरा, ये मुझे माँ कसम ऐसा लगता है उसके अंदर टट्टी निकाल दूँ, रुको हट, आ गया आ गया आ गया, ओ आ गया, अरे बिना ओ के ही निकल लिए। चलो मुझे ग्रीन वाली पावर मिल गई और एक और आ गया सामने से, ये कितने भाई बहन है सारे एक साथ, आ जाओ ना इसको, ये लास्ट वाले को पहले पेलता हूँ, इस वाले को, ये बस जाने वाला है, आ गया आ गया आ गया, इधर आ बेटा। अरे ये क्या गेम का सीक्वेंस है क्या, जब मैं एक बार पकड़ता हूँ तो एक बार मैं क्यों नहीं दबाया, हाँ बस 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 इजी, नोबडी कैन स्टॉप मी टू गेट द पैंडोरास बॉक्स। क्रेटोस ये पड़ेगा भर के इसमें, गया बच गया मैं, बूम, खत्म खत्म खत्म, यार 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 नहीं मैं नीचे गिर जाऊंगा, नीचे नीचे खत्म, आजा आजा तू भी आजा, मिस मत करियो यार, क्यों मिस क्यों हो जाता है, हो गया नाइस नाइस, रेड ऑर्ब मिलेगी अब भाई भर के, 42 लिटरली 42 गाइस, हम ना वो जो आर्मी ऑफ हेडिस है ना उसको ही मैक्स कर देंगे, इतनी पावर रेड वाली ऑर्ब कलेक्ट कर करके इन्वेंटरी में भर लेंगे। ठीक है और जो लास्ट में जब हमारा राड़ा किसी से होने वाला होगा ना तो हम यूज करेंगे अपनी आर्मी ऑफ हेडिस विद मैक्स, तो मैं जब भी अपग्रेड करूंगा, अभी देखो इन चिरकुटों को मारने के लिए मेरी ब्लेड ऑफ जो कियोस है वही काम आ जाएगी, तो मुझे अभी ये अपग्रेड करने की गाइस कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। और बाप रे यहाँ तो पूरी सेना खड़ी है, इनसे ना इनसे बाद में राड़ा करेंगे, पहले मैं वो जो सेकंड वाला जो गेट है उसको गाइस मैं एक बार ओपन करके आ जाऊंगा ना तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा इन चिरकुटों को मारने के लिए, कहीं पता चला मैं इनसे राड़ा करता रहूं और मेरा अपना जो काम है वही भूल जाऊं। चलो भाई कुछ तो मिला, लेट्स गो, अभी दो फिनिक्स चाहिए बस, दो के बाद मेरी जो ये जो ब्लू वाली पावर है ना वो फुल हो जाएगी। ये लो कुत्तों, ब्लेड ऑफ हेडिस से मजे लो, आर्मी ऑफ हेडिस के सारी लो, आ जाओ। अरे नहीं यार पहले मार ही देता हूँ इनको, थोड़ी तो रेड ऑर्ब मिलेगी, नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिजली लो, आ जाओ अभी देता हूँ तुम्हें, अरे बिजली वाला जैसे मैं रोल करता हूँ वो चेंज हो जाता है, पता नहीं क्यों चेंज क्यों हो जाता है, बूम नाइस। मैं मोटे तीन मुंह है इसके, चार मुंह है, मुंह तो इसके, आ जा, खत्म। उसके छोटे छोटे चेले चपाटे थे वो भी मारे जा चुके हैं यार, ये बच्चों को पेलना पड़ेगा, देखो इनको नहीं मारूंगा ना तो ये और भी ज्यादा बच्चे दे देंगे, हट हाट हाट गया यार, एक तो ये मोटा मारेगा बूम बूम बूम, मुझे लगा ही था, तू इधर आ, इसको पेल दूंगा ना यार, बहुत 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 दुख होता है बहुत ज्यादा जब ये एक मार के तीन मारता है ना, ये
ये बहुत दुख दे रहे हैं। और ये मर क्यों नहीं रहा? मेरी हेल्थ गई पूरी। अरे भगवान, प्लीज इसके ऊपर सर्कल क्यों नहीं आ रहा? सर्कल आ जा, सर्कल आ जा। आ गया, इस पे आ गया। तेरी भैंस की आंख है, करेगा परेशान। अब बोलेगा फालतू, बीच में से फाड़ दूंगा। रह गया, रह गया। मिली मिली मिली, कुछ पावर तो मिली। ये भी गया। चल चल, बुला अपने बाप को, बुला। अरे अरे, दो दो मम्मी पापा यही खड़े हैं। बाप रे आंटी, मैंने तो तुम्हारे लड़के को ऐसे ही मारा था। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे। लो आ जाओ ले। अरे क्रेटोस जब सर्कल आता है तो क्यों पूरा फिनिश क्यों नहीं करता इसे? थोड़ी सी तलवार मार के क्या छोड़ देता है उसे? और ये बूम खाता। अरे इसने तो बचाया ही नहीं इसको तो, इसको तो इस... ओ बूम बूम बूम, कच 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 कच। हट हट हट, मारेगा मारेगा ऐसी की तैसी। भाई ये दो हिट तो मारे लड़के ने। आ जा भाई, क्रेटोस पूरा डाल देता ना उसको। गया, अब तो आ जा। नाइस, 44 रेड ऑर्ब हो गई है गाइस। अब एक लास्ट, अभी पहले ये सेकंड वाला है जो सेकंड डोर ओपन करना है। यहाँ पे देखो, अबे कहाँ गलत जा रहा है क्रेटोस, इस साइड पे है वो। ये रहा, इसके ऊपर रखना है मुझे, देन फिर मेरा जो सेकंड डोर है वो भी ओपन हो जाएगा। डोर तो एक ही है लेकिन उसके अंदर जो सिक्योरिटी डोर लगा रखे है ना वो ज़्यादा लगा रखे हैं। हो गया ये भी ओपन। अभी गाइस ये लास्ट वाला रह गया है, जो कि मुझे स्टार्टिंग में जब हमने गेम स्टार्ट करी थी वहाँ से, तो वहीं से मेरे को उनके ऊपर चढ़ते हुए आना है, तब जाके क्लियर होगा। और पता नहीं मैं कितनी बार मरने वाला हूँ, क्योंकि चाबुक से जो चल रहे हैं ना खिचक खिचक खिचक, ये ज़्यादा मुझे डैमेज देंगे। मैं पक्का मरूंगा, देखना। देखो लगा ही था, मुझे लगा ही था, मुझे लगा ही था। ये जो गलती गाइस अब हम कर रहे हैं ना, अब इस वाले बार इस टाइम पे नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं करूंगा। लेट्स गो, कूदो इसके ऊपर पहले तो आराम से, फिर कूदो इस वाले पे। मेरे को ना बिल्कुल ये टाइमिंग देखनी पड़ेगी कि कब ये जो निकलता है कांटे वाला ट्रैप, ये कब निकलेगा। ये देखो बच गया आराम से। अगर मैंने जल्दबाजी करी ना तो मैं फिर मरूंगा, और दोबारा करने का कोई मूड नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, आराम से। हाँ, अगर मैं इसके आने का वेट कर लेता ना तो ये पक्का घुस जाता मेरे अंदर। ठीक है, सबसे पहले सेव कर लेता हूँ, अगर मैं मरा तो एटलीस्ट यहाँ से तो स्टार्ट हो जाएगा, वो वाला पोर्शन तो नहीं करना पड़ेगा दोबारा से। चलो सेव हो गया, प्लीज़ डू नॉट टर्न ऑफ द सिस्टम। ओके, बिल्कुल नहीं कर रहे हम। अब मुझे गाइस देखो, अब सामने वाला जो गेट है, आर्किटेक्ट, जहाँ पे आर्किटेक्ट का रूम है ये, अब ये डायरेक्ट सीधा मेरे को बस चढ़ते हुए वहाँ पे जाना है। ये मैं क्या कर रहा था, ये मैंने क्या किया? देखो अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। रुको रुको रुको, अरे होगा कैसे नहीं यार, तुम्हारा भाई बैठा और कोई जो... आराम से बूम, आराम से बूम, और ये आराम से, और ये भी हो जाएगा। अच्छा, गेम को जितनी जल्दी करने की ट्राई करो ना गाइस, वो बहुत जल्दी हो जाता है। और ये गेट बंद हो जाएगा अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचा। लेट्स गो, फाइनली हम आ चुके हैं अपने पैंडोरा के आर्किटेक्ट रूम के अंदर। अभी देखो गाइस, वो जो सामने तुम्हें रूम दिख रहा है ना, ये वाला, इसकी मुंडी, आर्किटेक्ट की मुंडी निकाल के सामने वाले गेट के अंदर लगाएंगे, और पैंडोरस बॉक्स का वो जो रास्ता है वो खुल जाएगा। और फिर पता नहीं अब आगे कौन सा पजल आने वाला है गाइस, आई डोंट नो। लेकिन अब पता नहीं, बस अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बस वो पैंडोरा बॉक्स कैसे भी मिल जाए, तो ये पैंडोरा टेम्पल है ना, यहाँ से फुर्सत मिले और हम निकलें दोबारा एथेंस को बचाने के लिए। क्योंकि देखो एथेंस की वो जो जगह है ना, वो क्रेटोस जहाँ पर रहता था, लेकिन क्रेटोस वहाँ का स्पार्टन था। स्पार्टन पता कब बना? जब एरिस ने इसको ब्लेड दिया, जब वो सबका स्पार्टन बना, और ज़ूस ने बोल दिया था एरिस को कि वहाँ के एथेंस को जल्दी से मार दो, क्योंकि वो अथीना की जगह है, और अथीना ने फिर चूज़ किया क्रेटोस को। तो अथीना मदद कर रही है क्रेटोस की कि वो एथेंस को बचा ले उसकी जगह को। अब क्रेटोस लगाएगा आर्किटेक्ट की मुंडी, वो भी इसके दरवाजे के अंदर यहाँ पे। तो गाइज वो जो रिंग ऑफ पैंडोरा हमने किया था ना, जब आर्किटेक्ट के बेटों की मुंडी लगाई थी, और यहाँ पे सेम आर्किटेक्ट की मुंडी लगाई है हमने, ये जो मेन गेट है ओपन करने के लिए, जो कि जा रहा है सीधा पैंडोरा बॉक्स की तरफ। तो गाइज बस
पेंडोरा बॉक्स अब ज्यादा दूर नहीं है और उसको लेने के बाद भाई क्या मजा आने वाला ये समझ लो। एरिस की तो अब बैंड बजने वाली है और एरिस को अभी तक तो गाइस पता चल गया होगा कि क्रेटोस जो है वो बस जस्ट पहुंचने वाला है पेंडोरा बॉक्स के पास। गाइस सिर्फ एक फिनिक्स चाहिए और हमारी पावर फुल हो जाएगी। गॉर्गनाइज अभी भी मे बी तीन और चाहिए कंप्लीट करने के लिए हमारी वो जो ग्रीन ऑर्ब है उसको। चलो भाई आ गए हम अपनी सही जगह पे और मे बी शायद गाइस ये लास्ट बैड एंड है एटलस का। एटलस के लोगों ने यहाँ पे पेंडोरा बॉक्स छुपा रखा है क्योंकि ज़ूस एटलस के लोगों पे ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए उसने आर्किटेक्ट से बोल के ये बनवाया है कि एक पेंडोरा बॉक्स के लिए एक बढ़िया सी जगह बना दो। तो आर्किटेक्ट ने बना दिया पेंडोरा टेम्पल और ज़ूस ने रख दिया वहाँ पे बहुत सारे पजल्स। आर्किटेक्ट ने ही वहाँ पे बनाए होंगे पजल्स कि कोई भी इतना ईजी बंदा पेंडोरा बॉक्स तक ना पहुँच जाए, नहीं तो वो गॉड्स को मार सकता है। चलो भाई साहब ये एक और नया ट्रैप्ड आ चुका है गाइस जिसको पाना मतलब पार करना तो मुश्किल ही होगा। ये क्या है रास्ता? अरे पेंडोरा बॉक्स यहाँ पे रखा पड़ा है भाई साहब। लेट्स गो। पोसाइडन का स्टैचू बना हुआ है हेडिस का और ज़ूस का। ओके तो ये तीन बॉसेस हैं, ये मेन है यार। इस गेट तक पहुंचना है बस। बीच में ये आ रहा है यार, बीच में अड़ंगा क्यों लड़ा दिया। चलो अब आएगा ना मजा। बट मेरे पास गाइस पावर नहीं है, यहाँ पे मेरे को पावर ढूंढनी पड़ती है यार, मेरे पास इतनी पावर है नहीं। एक मिनट चेक करता हूँ, रुको। यहाँ पे तो आसपास में पावर मिलने से रही हो गया मेरा तो आज। राम राम सत्य। ये जो तुम चील देख रहे हो और सामने जो तीर वाला जो बंदा देख रहे हो ना, ये ना मेरे को अंदर तक जाने नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पे डॉच कर करके इन पंछियों को पेल सकता हूँ इजीली। देखो वो नहीं मार पाएगा मुझे, इजी कर देंगे आराम से। बस मर ना जाऊं, बस अगर मैं यहां से मर गया फिर से स्टार्टिंग से खेलना पड़ेगा। इजी आराम से, मेरे को एकदम फोकस खेलना है। फोकस पीछे यार गाइस वो चक्का सा चल रहा है, वो मुझे पीस के रख देगा। अगर मैं थोड़ा सा भी उसके अंदर घुसा ना पक्का मुझे पीस के रख देगा और मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल। सच में पेंडोरा बॉक्स बहुत पास है। अरे हटो हटो जल्दी। अरे बच गया। अरे 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 पिस गया पिस गया पिस गया क्रेटोस बच गया। नाइस यार ये पंछी क्यों नहीं जा रहे? पंछियों तुम्हारी ऐसी की तैसी, कौन से घोंसले से निकल रहे हो वे? अच्छा यहाँ पे वो गेंडे नहीं आए, वरना और ज्यादा मुश्किल हो जाता इनको मारना और पेंडोरा को हासिल करना। हट तेरी हट। अरे हट जा यहाँ से प्लीज। गाइज मेरे पास ब्लू वाली पावर नहीं है, अगर ब्लू पावर होती आर्मी ऑफ हेडिस छोड़ता इनका ना भूत बना के आ जाते वो दो मिनट के अंदर। लेकिन पता नहीं मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ना मैं वो पावर लेना भूल गया। लेकिन मेरे पास हेडिस की पावर है, वो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन यूज़ करने के लिए होनी भी तो चाहिए। हो जाएगा ईजी, मैं फोकस खेलूँगा ना हो जाएगा। देखो मैं भाई कैसे कैसे कर रहा हूँ गाइस, तुम्हें बता नहीं सकता। लिटरली तुम जब खेलोगे तभी तुम्हें पता चलेगा मैं कैसे किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी भैंस की आंख। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब मैं ये स्पार्टन रेग को इस्तेमाल करता हूँ ना, स्पार्टन रेग इज द ओपी भाई। गाइस एक बार स्पार्टन रेग ओपी कर देना अगर तुम देख रहे हो तो। देख रहे हो? कसम से क्या चलाता है यार। आ जाओ गाइस, बस ये पंछी मर जाए ना तो फिर मैं इजी उनको पेल के आ सकता हूँ। यार इसके अंदर क्यों घुस रहा है तू क्रेटोस? नहीं यार नहीं, दो तीन पंछी और रह गए बस क्रेटोस, दो तीन और बस, काफी टाइम हो गया। पंछी जाए ना तो मैं तीर वालों को तो आराम से चटका के आ जाऊंगा आराम से। इजी, मेरा जहां फोकस टूटा गाइस ये समझ लो कि मैं सीधा जाऊंगा चक्के के अंदर, मेरा आटा पिस जाएगा ऐसा पिसूंगा मैं। बस बिल्कुल फोकस, रोल एक तलवार, रोल नाइस, रोल नाइस, फिर रोल नाइस, एक और। अरे वाह खत्म, तुम्हारी ऐसी की तैसी तीर मार रहे हो। इधर आओ ये लो बूम, बच गया। इसके अंदर आग भी है भाई, इधर आओ तू भी निकल यहाँ से। आजा 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 इजी इजी इजी, आजा आजा तू आजा। अरे 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 ये तो ऐसे ही मर गया, गया 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 मैं। और ये बूम
और उसके इधर से आग निकल रही है। हाँ हाँ, निकल यहाँ से। हो गया गाइज, हो गया, बस ये लास्ट रह गया शायद। यार बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये, अब ये दो तीन है इनको एक एक करके मार के ना बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। तो गाइज जल्दी इनको मार के चलते हैं सामने की तरफ। ये वाला जो गेट है वो खुल चुका है। इट्स ए इमेज ऑफ अ बैटल ऑफ एथेंस और ज़ूस के बीच में लड़ाई हो रही है। ओके, तो एथेंस का ये कोई बॉस होगा जो कि ज़ूस से टक्कर लेने की इसने भाई जरूरत करी। गाइज पैंडोरास बॉक्स, आवर ऑल सैक्रीफाइस हैज डन। इतना ज्यादा स्टैच्यू ऑफ द थ्री गॉड्स, देयर आर थ्री ब्रदर्स, लॉर्ड हैडिस, लॉर्ड ज़ूस एंड लॉर्ड पोसाइडन। ओके, तो ये तीनों भाई हैं। यार कसम से इतने ज्यादा पजल्स को सॉल्व करने के बाद जो फीलिंग आ रही है, पैंडोरा बॉक्स जस्ट मेरे सामने रखा पड़ा है। व्हाट द हेल, ऑल लुकिंग सो ब्यूटीफुल ब्रदर। यस, यही तो खोलना है, यही तो खोलना है, दैट आई रियली वांट इट। अब मिलेगी वो पावर गाइस जिससे हम एरिस को डिफीट करेंगे। मे बी शायद अभी क्रिटोस इसको यहाँ पे नहीं खोलेगा, इसको ही शायद वहाँ पे खोलेगा एथेंस के पास, क्योंकि देखो एथेंस, अब क्रिटोस को एथेंस से मतलब नहीं है, क्रिटोस को तो सिर्फ मारना है एरिस को, क्योंकि एरिस ने क्रिटोस के थ्रू उसकी फैमिली को मार दिया, तो बस वो उसको बदला लेना चाहता है, सिंपल। और एथेंस की मदद वो सिर्फ अथीना के लिए कर रहा है, जिसने मदद करा है पेंडोरा बॉक्स तक पहुंचने के लिए। इसलिए गाइस अब वाइट टच करो, निकालो पावर। यस क्रिटोस, ये बात, अथीना आ गई। योर क्वेस्ट इज एट एन एंड, यू आर द फर्स्ट मॉर्टल टू एवर रीच पेंडोरास बॉक्स। देयर इज स्टिल टाइम टू सेव एथेंस, यू मस्ट ब्रिंग द बॉक्स बैक टू माय सिटी एंड यूज इट टू किल एरीज। Return to Athens, Kratos. Return and save. तो गाइस मैंने जैसा बोला था ना, यहाँ पे अथीना चाहती है कि क्रिटोस इसका यूज करके एरिस को मारे और पूरे एथेंस के लोगों को बचा ले, समझ गए। और यहाँ पे अथीना ने यह भी बोला है कि तुम पहले मॉर्टल हो जो कि इस पेंडोरा बॉक्स तक पहुंच पाए हो, नहीं तो सारे के सारे मारे जा चुके हैं क्रिटोस। ये बात, यस, अभी ये वाला बॉक्स ना गाइस लेके जाना है हमको एथेंस के पास, और वहीं पे खोलेंगे इस बॉक्स को, अब इससे पहले यहाँ कोई आ ना जाए। मजा आ गया कसम से यार, इतने ज्यादा दुख झेलने के बाद। अरे ये तो वो जगह है जहां पे स्टार्टिंग में हम, अरे भाई यही से शॉर्टकट ले लेते। कितना भाई, क्या पजल बनाया आर्किटेक्ट ने यार। लेट्स गो गाइस, लेके चलते हैं, मजा आएगा कसम से। इसको यही खोल दो ना क्रेटस, यही खोल दे इसको। बट मैं इसको लेके जाऊंगा कहाँ, इतनी दूर मैं पेंडोरा, वहां पे पेंडोरा टेम्पल से निकल के एथेंस के पास इतना भारी बॉक्स लेके जाऊंगा कैसे, मैं तो ये सोच रहा हूँ गाइस, जा भी पाएंगे वहां तक। बट दिक्कत की कोई बात नहीं है, यहाँ तक, वहां तक पहुंच के यहाँ तक लेके आए हैं। तो अथीना बोल रही है, अथीना ने बोला है यहाँ पे इसको तुम्हें ले जाना पड़ेगा एथेंस के पास, और विदाउट बॉक्स तुम डिफीट नहीं कर पाओगे एरिस को। तो ये अब मेन चीज है, ये भाई अब पार्ट बन गया हमारा, इतनी पावर है इसके अंदर कि सबको मार सकते हैं। तेरी पैस की आंख हट यहां से। मुझे गाइस ये समझ में नहीं आया, जब क्रेटोस ने ज़ूस की पावर को वन वाले गॉड ऑफ वार में ही खोल दिया था, तो थर्ड वाले गॉड ऑफ वार में फिर क्यों खोला फिर पेंडोरा बॉक्स क्रेटोस ने, फिर दोबारा पावर क्यों डाली ज़ूस ने पेंडोरा बॉक्स के अंदर। You cannot leave the temple without Pandora's box. Athena बोल रही है कि बिना पेंडोरा बॉक्स के मैं इस टेंपल से बाहर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, और जो एथेंस है वो डिपेंड करते हैं तुम्हारे इसी पेंडोरा बॉक्स पे। ओके, तो बहुत सालों के बाद किसी ने एरिस को पता भी नहीं है कि Ares knew Kratos had succeeded in his quest. Okay, तो Ares को पता चल गया कि Kratos ने, you've recovered Zeus's precious box. देखो मैंने बोला ना पेंडोरा बॉक्स ले लिया, बट तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे Kratos इसको खोलने तक। I will see to that. Goodbye, Spartan. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades. अब तुम सड़ोगे Hades के, अब तुम हेडिस के चेंबर में सड़ोगे। क्रिटोस, एरिस ने ऐसा बोल दिया क्रिटोस को, बट एरिस ने ऐसा बोला क्यों भाई, उसने क्या मारा यार दूर से। बाप रे,
क्रेटोस को अपने सब कुछ याद आ गया, बट वो कैसे भूल सकता था अपनी फैमिली का ब्लड। जो ट्रिक करके यूज किया है ना एरिस ने किल करने के लिए उसकी फैमिली को। You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. कोई भी तुम्हें वापस नहीं ला सकता। Even stronger. तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए हो और तुम बन गए हो डेथ। बाप रे। Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. Shit. The same god who had now taken everything from him. तो गाइस, जिस गॉड ने इसको सब कुछ दिया था उसने एक पल में सब कुछ छीन लिया। Forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will be visible. तो ये राख है इसके बेटे और बेटी और इसकी वाइफ की। तो ये इसको याद दिलाते रहेंगे कि इसने क्या किया है अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ। नाइस यार, गूज़बम्स आ गए रियली। अभी अपनी फैमिली को कभी नहीं भूल पाएगा। और इसकी बॉडी जो है वो पहले रेड थी। बाप रे, क्रेटोस यहाँ से, यहाँ पे तो रियल में वो पेंडोरा बॉक्स के पास मारा जा चुका है और अब उसकी वो जो सोल है वो डायरेक्ट गई है रिवर के अंदर, रिवर ऑफ हेडिस में। व्हाट द हेल। तो ये गाइस अब हम ना शैडो से खेल रहे हैं उसकी सोल से, क्योंकि क्रेटोस वहां पे तो मारा जा चुका है। अब ये सीधा गिर रहा है हेडिस के अंदर, जो भी मारा जाएगा वो यहाँ पे गिरेगा। और अगर हम गाइज यहाँ से बच के वापस से जाएंगे तब हम डिफीट कर सकते हैं। हट तेरी भैंस, क्या ये बंदा कौन है जिसके ऊपर क्रेटोस रुक गया? अरे ये तो वो है जिसको हमने गॉड ऑफ वॉर फर्स्ट एपिसोड में ड्रैगन के मुंह के अंदर से निकाला था ना। ये कैप्टन है, ये कैप्टन था गाइज, ये कैप्टन था। बाप रे, जिससे हमने चाबी ली थी, याद होगा तुमने अगर फर्स्ट एपिसोड देखा होगा, द पाथ ऑफ हेडिस। तो गाइज ये रास्ता है हेडिस का। अब अगर इसको पार कर दिया समझ लो हम पेंडोरा बॉक्स के पास पहुंच जाएंगे और पेंडोरा बॉक्स खोल के एरिस को किल कर देंगे। तो अभी ये वाला जो पार्ट है बहुत ज्यादा डेंजर होने वाला है। सो गाइज आई होप तुम्हें इस वाले एपिसोड में भी ज्यादा मजा आया होगा, तो मुझे अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना और मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। तो यहाँ से आगे द पाथ ऑफ हेडिस को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। इंस्टाग्राम पर अभी तक गाइज तुमने फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो कर लो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए मेरे को बस गाइज तुम्हारी मोटिवेशन की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में, अगले एपिसोड के लिए वेट करना, कल वो आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।